जनपद फिरोजाबाद के गांव नगला सौट में काफी दिनों से एक साप्ताहिक सदगुरु कबीर संत समागम समारोह सत्संग चल रहा है। सरस कथावाचक व प्रवचन प्रवक्ता महंत राधेश्याम शास्त्री साहिब ने अपने मुख से कथा का प्रवचन किया। वहीं सदगुरु कबीर साहिब के प्रकट उत्सव के बारे में विस्तार से लोगों को बताया तथा इस सत्संग में कबीर साहिब का सत्संग सुनने के लिए अंतिम दिन हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी तथा सत्संग का लोगों ने जमकर आनंद लिया तथा सत्संग 3 तारीख से चल रहा था। सत्संग आज समापन हुआ। कल 10 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम महंत राधेश्याम दास साहेब। अच्छा, ये सत्संग चल रहा है, ये कब से चल रहा है? ये आज 7वां दिन हो गया। यहाँ साहब की वाणी वचनों को हमें कहते हुए 7 दिन बीत गए। कल का यहाँ भंडारा का आयोजन है और हमारे सतगुरु पंत हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब धर्मनगर दामाखेड़ा जो हमारे 42 वंश में अवतार हैं, उनकी असीम कृपा से मैं जगह जगह साहब का यह सत्संग, साहब की ज्ञान चर्चा, साहब की अमृतवाणी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और मेरा साहब के चरणों में अति प्रेम है। मैं निस्वार्थ भाव से साहब का ये कार्य संभाल रहा हूँ। जीव जनता को साहब की अमृतवाणी वचनों के द्वारा मैं सत्य का ज्ञान, सत्य का मार्ग और ध्यान श्रुति योग, सप्त श्रुति योग का भी ज्ञान सिखा रहा हूँ, ध्यान सुमरण करने का भी ज्ञान सिखा रहा हूँ, जो मेरे गुरुजी ने मुझे महंत करियर बनाकर भेजा है, तो मैं उनके वचन का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ की जनता ने साहब जी ये बताइए जो आपका स्थान है वो कहाँ पर है, वो आपसे जैसे कोई मिलना चाहे वो कहाँ मिल सकता है? हमारा यानी संसारी निज निवास तो गांव छतरियापुरा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा में पड़ता है, जो है सतगुरु संत कबीर सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात। वहाँ हजारों लोग हर शनिवार को भी दर्शन के लिए आते हैं और गुरु परमपिता की असीम कृपा से मैंने पूजनीय अपने पिताजी जवाहर सिंह और गुरु बाबा भोले साहब सिद्ध पुरुष के सानिध्य में आश्रम का निर्माण करवाया और उस आश्रम को साहब की असीम कृपा में जोड़कर आज उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये सत्संग चल रहा है, ये कब से चल रहा है? अभी 3 दिन से चल रहा है और मेरे बड़े भैया दिल्ली में प्रॉपर्टी बनाना है और जो है मेरे छोटे भाई की बेटी है वो डिग्री कर रही है नेक्स्ट ईयर में, उनकी आशी नाम कंपास है, हमारे नगर ग्राम में बात करते हैं, उनका बहुत बहुत शुभकामना संपन्न हुआ है और मैं गुरु जी जो हमारे हैं उनके वचनों से बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में उनके जो भी वचन है हर व्यक्ति अपने जीवन उतारे और आगे बढ़े। ये सत्संग में कितने लोगों की भीड़ उपस्थित रहती है? कम से कम इस सत्संग में डेली के हिसाब से 400-500 व्यक्ति का। इसका समापन कब हो रहा है? समापन इनका इसका हो रहा है आज 9/2019। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।